हेलो क्लास, आप लोगों ने इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा द फनी मंकी, ठीक है। वो चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसी में एक पोयम भी है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में एक पोयम है, पोयम का नाम है द इट्सी बिट्सी मंकी। मंकी मीन्स बंदर होता है, ठीक है। द इट्सी बिट्सी मंकी, और मंकी का नाम है इट्सी बिट्सी, ठीक है। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोयम में क्या कहा गया है, ठीक है। द इट्सी बिट्सी मंकी क्लाइम्ड अप द कोकोनट ट्री। द इट्सी बिट्सी मंकी क्लाइम्ड अप द कोकोनट ट्री। इट्सी बिट्सी मंकी, मंकी का नाम क्या है? इट्सी बिट्सी, है ना। क्लाइम्ड अप, क्लाइम मीन्स चढ़ना होता है ना। क्लाइम्ड अप, अप मीन्स ऊपर। द कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री मीन्स नारियल का पेड़। वो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, कौन? इट्सी बिट्सी मंकी, ठीक है। डाउन केम अ कोकोनट एंड बम्प्ड हिम ऑन द नी। डाउन केम अ कोकोनट, जब वो इट्सी बिट्सी मंकी कोकोनट ट्री में चढ़ गया तो एक कोकोनट यानी एक नारियल नीचे गिर गया, डाउन कैम नीचे आ गया। एंड बम्प्ड, बम्प्ड मीन्स टक्कर मारना, है ना। बम्प्ड हिम ऑन द नी, और बंदर का जो नी है, नी मीन्स घुटना, घुटने में आकर टक्कर मार दी, यानी कोकोनट गिरकर मंकी के घुटने में जा लगा, ठीक है। इट्सी बिट्सी मंकी कोकोनट ट्री में चढ़ गया जाके, तो एक कोकोनट गिरा और इट्सी बिट्सी के घुटने में, नी मीन्स घुटना, घुटने में आकर टक्कर मारी, यानी कि चोट लग गया उसे, है ना। आउट केम हिज मॉमी एंड वाइप्ड अवे हिज टीयर। आउट कैम हिज मॉमी, उसकी मम्मी है वो बाहर आई, आउट कैम बाहर आई, एंड और वाइप्ड अवे हिज टीयर, जो उसके आंसू निकल रहे थे मंकी का, उसको वाइप्ड की यानी पोंछ दी, ठीक है। वो रोने लगा था ना, तो उसके आंखों से आंसू निकल लगा, तो उसको पोंछ दी। एंड द इट्सी बिट्सी मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री अगैन, और इट्सी बिट्सी जो मंकी है क्लाइम्ड अप द ट्री अगेन, मतलब फिर से वो पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है ना। जब उसकी मम्मी ने उसके आंसू पोंछ दिए, तो इट्सी बिट्सी मंकी क्या किया, फिर से कोकोनट ट्री में जा चढ़ गया, है ना, चढ़ गया फिर से, ठीक है। यानी कि ये इट्सी बिट्सी मंकी बहुत नॉटी मंकी था, ठीक है। एक बार उसे चोट लगी, लेकिन वो सुधार में नहीं आया, है ना। वो फिर से वही काम करने गया, है ना, जिससे उसे फिर से चोट लग सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमें किसी चीज से नुकसान हो, है ना, तो हमें वो काम फिर से नहीं करना चाहिए, है ना। इस पोयम से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम कोई काम करें और उससे हमें नुकसान हो, तो हम वो काम हरगिज नहीं करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में जो द इट्सी बिट्सी मंकी चैप्टर है, ये पोयम है, उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग कर लेंगे, है ना। इसमें ग्रामर स्किल भी दिया हुआ है, ठीक है। यह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही भेज दिया गया था, तो आप लोग इसको करेंगे कॉपी में, ओके, बाय।